बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू उस रब्बे जलील के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं अपने इस क्वाले जनी के चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद वेलकम जी आया नू सत बिस्मिल्ला पखैर रागले कहता हूँ। और मेरे जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो घंटी का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो उन तक बआसानी पहुँच सके। आज की हम अच्छी अच्छी बातों का आगाज़ करते हैं। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफ़ी गहरे होते हैं। लोग हमेशा के लिए नहीं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। दुनिया की कही हुई बात और अपनों की कही हुई बात में फ़र्क ये होता है कि दुनिया की कही हुई बात पहले तकलीफ़ देती है, फिर उसकी आदत हो जाती है, जबकि अपनों की कही हुई बातों की कभी आदत नहीं होती, इसलिए हर बार वो सुनने पर तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ती है। सबसे बदतरीन खेल वो है जो किसी के खलूस के साथ खेला जाए। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना बताए जा सकते हैं ना सुलझाए जा सकते हैं, बस चुपचाप पाले जाते हैं। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर उस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आज़ाद कर देगा। तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो। ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा भी मुश्किल नहीं होता, इस उनके भी पांव होते हैं। हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये दौड़कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है, और रिश्ते तब कायम रहते हैं जब हम मामूली सी मुस्कुराहट और हल्की सी माजरत से सब कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। सुख का एक दरवाज़ा बंद होता है कि दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक तकते रहते हैं कि हमारे लिए जो दरवाज़ा खुला होता है उसकी तरफ हम देख ही नहीं पाते। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। वो तकलीफ़ जो किसी गुनाह के दम से आई हो सज़ा कहलाती है, और एक तकलीफ़ जो किसी वजह के बग़ैर आई हो वो आपके कितने ही साल की इबादत की कमी को पूरी कर जाती है। मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर अकल को जंग लग जाए तो ज़ुबान फजूल बोलने लगती है। मैंने जब भी पनाह मांगी मुनाफिकों से मांगी, सच्चा दुश्मन मिल जाए लेकिन मुनाफिक यार ना मिले। आपस के रिश्तों को बांधना ज़रूरी नहीं, और अगर बांधना चाहो तो इज्जत और दरगुजर की डोरी से बांधो, क्योंकि अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ये दोनों चीज़ें मोहब्बत के घर की चार दीवारी है, और चार दीवारी ख़त्म हो जाए तो घर को बचाना मुश्किल हो जाता है। गुनाह हमसे नूर छीन लेता है, और नूर बहुत कीमती होता है, क्योंकि अंधेरों में तो इंसान को अपना आप भी दिखाई नहीं देता। कुछ लोग म्यारे ज़िंदगी बुलंद करने में मारे इंसानियत से भी गिर जाते हैं। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमाल को देखता है। मसला इनमें नहीं जो तुम्हें छोड़कर चले गए, बल्कि मसला तो तुम में है कि तुम फिर भी उनके पीछे भाग रहे हो। भीख से हमदर्दी मिलती है, मोहब्बत नहीं। अल्लाह जब किसी की हकीकत तुम्हारे सामने लेकर आता है और उसे तुमसे दूर कर देता है, वक़्त बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं अफसोस कहलाता है। ज़िंदगी बहुत तलख है, और इसमें लोग अपने हिस्से का जहर मिलाना ऐन सवाब समझते हैं। समझदार इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार इंसान वो है जो छोटी छोटी बातें समझने लगे। सारे औकात के तमाशे हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। अगर कोई छोटा आदमी मिल जाए तो उसे मोहब्बत दो, अगर कोई बड़ा आदमी नज़र आए तो उसे इज्जत दो, फिर झगड़ा नहीं होगा। कोई सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। हम जिंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ हो गए हैं कि अपने प्यारों को तोहफे में घड़ी तो दे सकते हैं, लेकिन वक़्त नहीं दे सकते। किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी को जाहिर नहीं करती,
क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को जेर जेर कर देती है। जो कुछ हमने अपने साथ किया उसके लिए अस्तगफार, और जो कुछ हम उसने हमारे साथ किया उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है, गम कोई भी हो, फिक्र कितनी ही हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी क्यों ना हो, दिल को एक बार राजी कर लें, मनवा लें कि वो अल्लाह है न मेरा रब, मुनसिफ रहीम मालिक मेरा, सब कुछ दिल पुरसकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आते हैं कि गुमान भी नामुमकिन है। दो चीज़ें लोगों को तबाह करती हैं, दोस्तों की खयानत और दुश्मनों का रहम। जिंदगी किसी की खुशी नहीं देती, खुशियां बनानी पड़ती हैं। जिंदगी में उनका हाथ पकड़ लें जिनको आपकी ज़रूरत है, हो सकता है रोज़े क़यामत आपकी खुशी का सबब वो लोग बन जाएं जिनकी खुशियों का सबब आप दुनिया में बने हैं। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू होता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। इसी के साथ आज की इन अच्छी अच्छी बातों का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।